क्या आपको भी रहस्य रोमांचित करते हैं? क्या आप भी अनसुने किस्सों और अनजान जगहों की ओर खींचे चले जाते हैं? सदियों से इंसान रहस्यों की ओर आकर्षित होता रहा है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमारी कल्पना को ऊंचा उठाते हैं और हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के साथ रहस्यों का खजाना समेटे हुए है। राजाओं के किस्से, खोए हुए शहर, रहस्यमयी मंदिर, ये सब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो रोमांच और कौतूहल से भरी हुई है। आइए आज हम भारत के कुछ अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में गोते लगाते हैं। ये जगहें सदियों से मौन रहस्य समेटे बैठी हैं, मानो अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हों। इनकी खामोशी में ही इनका आकर्षण छिपा है, जो हमें अपनी ओर खींचता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी यात्रा शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आज भी अपने पीछे कई अनसुलझे रहस्य छोड़ गई है। यह सभ्यता, जो लगभग 4000 साल पहले फली फूली थी, अपने उन्नत शहर नियोजन और रहस्यमयी लिपि के लिए जानी जाती है। आज तक इस लिपि को कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। क्या यह भाषा थी या कोई सांकेतिक लिपि? इस सभ्यता का अचानक अंत कैसे हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझाए हुए हैं। इन खंडहरों में इतिहास की अनगिनत कहानियां छिपी हैं, जो शायद कभी सामने नहीं आ पाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समृद्धि और रहस्य के साथ हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। समय का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं अशोक के रहस्यमयी नौ रत्नों की कहानी तक। सम्राट अशोक, जिन्हें उनके शासन और धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है, के दरबार में नौ विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कहा जाता है कि इन रत्नों के पास अलौकिक ज्ञान और शक्तियां थीं, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये रत्न कब और कैसे गायब हो गए, इसका कोई पता नहीं। क्या ये रत्न सिर्फ कहानियों का हिस्सा थे या हकीकत में उनका अस्तित्व था? नवरत्नों की यह कहानी सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है और शायद आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। भारत के प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन मंदिरों के गर्भगृह में कई राज भी छिपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण का। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 12 साल लगे थे और इसमें 1200 शिल्पकारों ने काम किया था, लेकिन मंदिर का शिखर आज तक अधूरा है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? क्या ये किसी अज्ञात शक्ति का काम था या फिर मानवीय भूल का? कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी अधूरी कहानी के साथ आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे बीच मौजूद है। दिल्ली के जंतर मंतर का रहस्य इसका जीता जागता उदाहरण है। ये वेदशाला, जो 18वीं सदी में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी, अपने सटीक खगोलीय गणनाओं के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वेदशाला का एक यंत्र ऐसा भी है जो आज तक काम नहीं कर पाया है? कहा जाता है कि इस यंत्र का निर्माण अधूरा रह गया था। क्या यह सच है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? जंतर मंतर विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत की धरती रहस्यों से भरी हुई है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें अतीत से जोड़ते हैं और हमारी कल्पना को नई उड़ान देते हैं। क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझे ही रहेंगे? यह सवाल तो समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बात तो तय है, रहस्यों की यह दुनिया हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी, हमें नई कहानियां गढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।